नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं नीलांचल टाइम्स। झारखंड में जैसे ही मुखिया चुनाव शुरू होंगे उसके लिए नामांकन भी शुरू हो जाएंगे, इसीलिए आज हमारी टीम पहुंची हुई थी रातो उत्तरी पंचायत रांची में, जहां के मुखिया प्रत्याशी मनीष मुंडा जी से हमारी टीम की बातचीत हुई। आखिर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनके मुख्य मुद्दे होंगे, ऐसे तमाम सवाल हमने उनसे किए, और भी क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए देखते हैं। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए साल की। क्या क्या पाँच साल में काम किया? जैसे पाँच साल में जो हम लोग को अनुभव हुआ काम करने का, जो पब्लिक के आशीर्वाद से जो हम लोग पाँच साल का जो कार्यकाल मिला उसमें बहुत तरह का हम लोग का अनुभव हुआ। जैसे सड़क, कितना सड़क बनाए? सड़क हम लोग लगभग 10-15 सड़क बन गया, जगह जगह बहुत। पाँच साल में 15 सड़क? हाँ, 15 सड़क बन गया। जैसे नाली भी हम लोग बनाए, जैसे 5-7-8-10 टो नाली भी बनाए। पुलिया पुलिया तो नहीं बन पाए। आंगनबाड़ी में भी हम लोग किए, बच्चों लोग के लिए व्यवस्था किए। अच्छा। और पानी का भी व्यवस्था किए, पानी का वो जैसे चपंदन मरम्मती हुआ। हाँ। और टंकी जल मीनार कितना माध्यम से भी पब्लिक को सुविधा देने का काम किए हम लोग। और साथ में जैसे अभी जैसे विधवा पेंशन हो गया, इसमें भी हम लोग बहुत काम किए हैं। और साथ ही साथ जैसे आवास का होता है, आवास कितना पास हुआ होगा? आवास लगभग 400 कुछ आवास है। शौचालय भी हमको लगता है 1500 शौचालय, उससे भी ज़्यादा बन चुका है। पेंशन भी प्रति वर्ष लगभग हम लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं। राशन कार्ड में भी हम लोग बहुत काम। जल मीनार कितना बनाए? जल मीनार लगभग 12 जल मीनार। 12 जल कुआं? कोई कुआं एक कुआं बनवाए मनरेगा के माध्यम से। अच्छा, डोभा? डोभा भी खुदवाए। कितना? उसमें भी 4-5 डोभा है। अब जैसे शहरीकरण होने के बावजूद भी डोभा लोग बनवाना नहीं चाहता है, लेकिन आप खुदवाए? लेकिन हम लोग प्रयास रहता है पब्लिक की डोभा खोले। लाइट भी लगा है, लगभग 200 लाइट लगा है। डस्टबिन भी हम लोग स्कूल में, मतलब पंचायत में हर काम किए हैं, कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो नहीं किए। चलिए, कोई समस्या है पंचायत के? अभी पंचायत में अभी भी बहुत जैसे आवास है देखने को मिलता है, जिसको हम लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं, जैसे बहुत सारा ऐसा है कि जिनका होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका हो जाए। इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? चुनाव इस बार जैसे पिछले बार तो पुरुष था, अभी इस बार महिला हो गए, तो इस बार जो हमारी पत्नी जो पत्नी है, तो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता से क्या कह रहे हैं? जनता से जो पाँच साल का जो अनुभव हुआ और काम करने का जो शैली है, जनता भी खुश है। इस बार क्या लगता है, जीतेंगे फिर से? पूरा जीतने का पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद। पब्लिक का पूरा आशीर्वाद है। ग्राम पंचायत रातो उत्तरी के मुखिया, समस्त ग्राम पंचायत रातो उत्तरी के समस्त जनताओं को, बुजुर्गों को, दादा दादी को, चाचा चाचियों को, सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और कोविड का जो टीकाकरण है, फर्स्ट डोज लगभग पूर्ण हो चुका है, दूसरा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं हम लोगों को, जा जा के बोल रहे हैं कि भाई दूसरा डोज ले लीजिए कह के।